बेटा जी, हम बात कर रहे हैं, हमारा अध्याय चल रहा है कौन सा, कोशिका जीवन की इकाई, ठीक है, जिसमें याद करिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था उन वैज्ञानिकों के बारे में जो कोशिका की खोज से संबंधित थे, जिसमें हमने रॉबर्ट हुक के बारे में बात करी, हमने लिविन हॉक के बारे में बात करी, हमने कोशिका सिद्धांत पढ़ा, हमने रॉबर्ट ब्राउन के बारे में बात करी, हमने जीव द्रव्य की बात करी, क्या होता है उससे संबंधित वैज्ञानिकों की बात करी, ये सब हमने पढ़ा था। अब आज मैं आपको बताने वाला हूं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, आइए देखिए, ध्यान से देखिए बेटा जी, आज हम बात करेंगे किसकी, प्रोकैरियोटिक कोशिका की, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद क्विज, आज बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं, बालक ध्यान से सुनिएगा, आज बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है, दो बार आएगा क्विज और हर बार क्विज में दो प्रश्न होंगे, यानी टोटल आज चार प्रश्न आने वाले हैं कुल मिलाकर, मैं आपसे बताऊं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मिलेगी डीपीपी, जिसमें आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने देखना आपसे प्रश्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है, चले आगे। आइए बेटा जी आगे चलते हैं, हम पढ़ रहे हैं क्या, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, ठीक है। कोशिका जो होती है वो हमारी संरचना बना रही है, हर जीव की संरचना बनाती है, हर जीव के अंदर क्रिया करती है, ठीक है, ये हमने देखा था। अब बात आ रही है, आप पूछेंगे कि सर कोशिका जो होती है, कोशिका देखिए जरा, आपको दिख रही है ये कोशिकाएं हैं, ये कोशिका है, ये सेल है, ठीक है, ये कोशिका जो होती है ये कितने प्रकार की होती है, यानी ये जो सेल जो ऊपर दिख रही हैं, ये कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, आप पूछेंगे ना मेरे से, पूछेंगे ना कि सर इस पृथ्वी पर कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, तो मुख्य रूप से बच्चों कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन सी देखिए, दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक होती है बेटा जी प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका, ये है बेटा जी यूकैरियोटिक कोशिका और ये है बच्चों प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। आप बोलेंगे सर ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं शब्द, तसल्ली रखना, सर ये भी इंग्लिश में लिखे हुए हैं शब्द, तसल्ली रखना, हिंदी में भी आएंगे, मैं जान पूछ के इंग्लिश और हिंदी दोनों के वर्ड्स लेकर आता हूं डायग्राम्स में, ताकि क्या होता है ना कई बार हमारी बुक्स में ना हिंदी के वर्ड्स को इंग्लिश में लिख दिया जाता है, जैसे कई बार कशाभिका को ना फ्लैजिला लिख देते हैं, बुक्स में देखा होगा, अब फ्लैजिला जिसको पता है फ्लैजिलम या फ्लैजिला का मतलब क्या होता है, कशाभिका, ठीक है, तो याद रखना हिंदी और इंग्लिश दोनों के वर्ड अगर याद रख सकते हैं इंग्लिश के तो याद रखना, नहीं तो देखो हिंदी तो आपने पढ़नी ही पढ़नी है ना, तो फायदा मिलेगा, बस मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं फायदा मिलेगा, ठीक है। तो बेटा कुल मिलाकर आपकी दो प्रकार की कोशिकाएं, एक है प्रोकैरियोटिक और एक है यूकैरियोटिक। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी कोशिकाओं की, हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की, कि आखिर प्रोकैरियोटिक कोशिका होती क्या है, ठीक है, चले आगे। आइए बात करते किसकी, प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका, अब देख लो साहब हिंदी में लिखे हुए यहां पर शब्द है ना, तो मैंने आपसे क्या बोला था, हिंदी में भी नामांकन होता है डायग्राम्स का, चित्रों का, और इंग्लिश में भी होता है, आपको मैं दोनों लाकर दे रहा हूं ताकि कहीं से भी कोई बिंदु ना छूटे, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ठीक है। आइए बेटा जी प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करने वाले, तो सबसे पहली चीज प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब नहीं देखेंगे अभी क्या होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, पहले मैं एक सिंपल सी चीज आपसे पूछना चाहूंगा, 11वीं कक्षा में जब आप आए थे, आए होंगे ऑब्वियस सी बात है, जीव विज्ञान सब्जेक्ट लिया था, लिया होगा, डरे तो नहीं थे ना, पढ़ने के बाद डर तो नहीं लगा था, नहीं लगा होगा, इजी तो है भैया सब कुछ, फिजिक्स से हल्का फुल्का लगा होगा, मुझे भी लगा था लेकिन प्रैक्टिस करी थी हो गई थी, केमिस्ट्री से ठीक थी, इतना ज्यादा डर नहीं लगा था, हो गई थी, बायो अरे मक्खन की तरह समझ में आती थी, है ना, बस यही चीज आपने अभी भी फॉलो करनी है, बायो मक्खन की तरह समझ में आनी चाहिए, केमिस्ट्री में अगर थोड़ा सा लोड आता भी है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अच्छे से आपको समझाया जाएगा, फिजिक्स में हाँ बायो वाले बच्चों को फिजिक्स थोड़ी सी टफ लगती है, मुझे भी लगती थी, लेकिन मैं फिजिक्स में घुसा रहता था भैया, मेरे फिजिक्स में सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे फिजिक्स में ही आए थे, मैं सच्ची आपको बताऊं, क्योंकि मेरे को फिजिक्स अच्छी भी लगती थी, पहले बेकार लगती थी, बाद में अच्छी लगने लग गई, क्यों, क्योंकि मैं इंटरेस्ट लेने लग गया, मैं जब क्वेश्चंस करने, पहले मेरे से क्वेश्चंस नहीं होते थे, जब मैं क्वेश्चंस करने लगा, मेरे आंसर सही आने लगे, मेरे मार्क्स अच्छे आने लगे, मेरे टीचर मुझे प्रोत्साहित करने लगे, ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगता था, गुड फील होता था कि अरे फिजिक्स मजा ही आ गया, है ना, तो फिजिक्स
टफ होती है किसके लिए, बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन उसको अपने ऊपर टफ मत पढ़ने देना, नहीं तो वो भारी पड़ जाती है। ठीक है, घुसो, पढ़ो, एक एक चीज के कॉन्सेप्ट्स को समझो। ठीक है, आइए बेटा, हम अभी फिजिक्स की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की। अब आप मुझे बताएं, ग्यारहवीं कक्षा में जब आप आए थे तो आपने एक वैज्ञानिक का नाम डेफिनेटली सुना होगा स्टार्टिंग के चैप्टर में, आर एच विटेकर, याद आ रहा है, आर एच विटेकर सुना होगा। अब यह भी सुना होगा कि आर एच विटेकर ने एक प्रणाली दी थी जिसे हम बोलते हैं पांच जगत प्रणाली। ठीक है, अब क्या थी पांच जगत प्रणाली, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आर एच विटेकर ने, किसने बेटा, आर एच विटेकर, ये वैज्ञानिक का नाम है जिसने पांच जगत प्रणाली दी थी, पांच जगत प्रणाली दी थी। अब इस पांच जगत प्रणाली में उन्होंने क्या किया था, जितने भी इस पृथ्वी पर समस्त जीव मिल रहे हैं उनको पांच जगत में बांट दिया। क्या बोला मैंने, ये पिछले लेक्चर में भी बताया था, वापस से बता रहा हूं, जितने भी जीव मिल रहे हैं इस पृथ्वी पर उनको पांच जगत में बांट दिया, फाइव किंगडम्स में बांट दिया। कौन कौन सा, सबसे पहला मुनेरा, ध्यान से सुनना, दूसरा प्रोटिस्टा, ठीक है, तीसरा कवक, चौथा पादप या वनस्पति भी बोल सकते हैं, और पांचवा प्राणी। ठीक है बेटा, अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, मुनेरा को मुनेरा ही बोलते हैं, प्रोटिस्टा को प्रोटिस्टा बोलते हैं, कवक को फंजाई बोलते हैं, पादप को प्लांटी, आप बोलेंगे सर प्लांट्स बोलते हैं, प्लांटी नाम से दिया था किंगडम, प्राणी को एनिमेलिया। तो इस प्रकार पांच जगत प्रस्तुत किए थे किसने बेटा, आर एच विटेकर ने। ठीक है, अब हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आप में से कई बच्चे जानते हो, और हो सकता है आप में से अधिकतर बच्चों को लग रहा होगा अरे सर बड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहे हो, ये तो सारी चीजें जानते हैं। बेटा देखिए, आप ये भी समझने की कोशिश करिएगा कृपया करके, मैं उन बच्चों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, उन बच्चों से ध्यान से सुनना जिनके लिए लग रहा होगा कि सर ये बहुत ईजी है, थोड़ा सा तेज पढ़ाइए, मैं मानता हूं, लेकिन बेटा यहां पर कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका रिसेप्शन जो होता है, पकड़ने की क्षमता जो होती है टॉपिक को, कईयों की बहुत कम होती है, कई जो होते हैं ऐसे बच्चे जो थोड़ा धीरे से समझते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं समझने में, और कई ऐसे होते हैं जो फट से समझ जाते हैं। अब आप में से कई ऐसे होंगे जो जानते होंगे फटाफट ये चीजें जानते होंगे, समझ में आ जाती है, कई होते हैं थोड़ा धीरे से। तो बेटा मुझे सबको साथ में लेकर चलना होगा, इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो अच्छे तरीके से जानते हैं वेरी गुड वेल डन, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, हम स्पीड तेज करेंगे, एक बार उन बच्चों को भी हम शामिल कर ले जो जिनका जो ग्रेस्पिंग होती है ना पकड़ने की थोड़ी सी धीरे थी, हम पहले उसको तेज कर लेते हैं, सबको साथ में लेकर चलेंगे, है ना। तो बेटा जी कुल मिलाकर पांच जगत प्रणाली आर एच विटेकर ने दी थी जिसमें से पांच जगत थे। अब इन पांच जगत में किस किस को रखा गया वो बात नहीं आ रही है, बात ये आ रही है इन पांच जगत में से कौन से जगत हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका आती हैं और किसमें यूकैरियोटिक कोशिका आती हैं। पहला बिंदु तो ये है, तो आपने याद रखना है बेटा जी, भूलना नहीं है, एक मात्र पांच जगत में से एक मात्र ऐसा जगत जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं रखी जाती है, या प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव जो होते हैं वो मात्र और मात्र मोनेरा जगत में आते हैं, याद रखना। ठीक है, बाकी इन चारों जगत में, ये चारों जगत में जो जीव आते हैं बेटा ये भी याद रखना, कौन से होते हैं, यू कैरियोटिक, याद रखना। यहां पर कैसे होते हैं याद रखिएगा, यू कैरियोटिक होते हैं, भूल मत जाइएगा। ठीक है, आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब ये क्यों बता रहा हूं, इतना सा बताने के लिए हम क्या पढ़ने वाले हैं,
प्रोकैरियोटिक कोशिका, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव कौन से जगत में आते हैं। आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे, जो जानते हैं वेरी गुड वेल डन, बहुत अच्छे, जो नहीं जानते हैं आज के बाद कतई मत भूल जाना, माता रानी की कसम है आपको, बिल्कुल मत भूल जाना। प्रोकैरियोटिक कोशिका केवल एकमात्र जगत में आती है, किसमें? मुनेरा में। डंडना डंडन, क्या ये पहला, या मैं बोलूंगा ये बिंदु आपको समझ में आ गया एक तरीके से, सिंपल सा बिंदु, क्लियर है? अब आपका पलटकर मेरे से क्वेश्चन होएगा, सर ये तो समझ में आ गया कि मोनेरा जगत के अंदर प्रोकैरियोट्स आते हैं, कौन से जीव हैं जो मोनेरा जगत में रखे गए हैं, कौन कौन से जीव हैं जो प्रोकैरियोटिक हैं, आखिर कौन है? प्रोकैरियोटिक क्या होता है वो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये पढ़ना जरूरी है कि प्रोकैरियोट्स हैं कौन, कौन से जगत में आते हैं। ये समझ में आ गया, मोनेरा जगत में आते हैं, लेकिन कौन से हैं वो जीव जो प्रोकैरियोटिक हैं? तो आपने याद रखने हैं कौन से जीव, ध्यान से देखना, ये वो जीव है, कौन है बेटा, ये वो जीव है जिनको मुख्य रूप से हम प्रोकैरियोट्स में रखते हैं। नहीं नहीं, ये वो जीव नहीं है। अब बोलेंगे यही तो है, मैं बोलूंगा हाँ यही है, लेकिन इनमें से ये नहीं है, ये प्रोकैरियोटिक नहीं है, क्योंकि विषाणु कोई कोशिका नहीं होती है, याद रखना विषाणु कोई कोशिका नहीं होती है। ये तीन है आपके मुख्य रूप से प्रोकैरियोट्स, ठीक है? अब कौन कौन आते हैं ध्यान से सुनना, मोनेरा, मोनेरा जगत में जो जीव आते हैं, जो जीव रखे गए हैं, जो प्रोकैरियोटिक हैं, जो कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक हैं, वो मुख्य रूप से कौन है? यही तो पूछेंगे सर कौन है, तो आपने याद रखना है बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला आपने याद रखना है, भूलना नहीं है, कौन बेटा जी, जीवाणु, सबसे इंपॉर्टेंट, कौन, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, ठीक है? दूसरा ध्यान से सुनना, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। दूसरा बेटा जी याद रखना है आपने, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ठीक है, जिसे हम, ध्यान से सुनना, जिसे हम साइनो बैक्टीरिया भी बोलते हैं, याद रखना, क्या बोलते हैं, साइनो बैक्टीरिया भी बोलते हैं। तीसरा बेटा जी माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जिसे हम पीपीएलओ भी बोलते हैं, ठीक है? अभी तो वैसे सुनना, आप पूछेंगे सर पीपीएलओ क्या होता है, धैर्य रखना, अभी बता रहा हूं, तसल्ली रखना, थोड़ा सा तसल्ली। माइकोप्लाज्मा, नील हरित शैवाल, जीवाणु, ठीक है, मुख्य रूप से ये तीन प्रकार के जीव कौन से जगत में आते हैं, बच्चों भूलना नहीं है, ये तीन प्रकार के जीव हैं जो मुख्य रूप से मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। तो आपसे कोई पूछे क्या जीवाणु प्रोकैरियोट्स हैं, हाँ है, क्या नील हरित शैवाल प्रोकैरियोट्स हैं, हाँ है, क्या माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट्स हैं, हाँ है, यानी ये तीन प्रकार के जीव जो इस जगत में आते हैं भैया क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने हुए, और साथ साथ याद रखना है ये सारे के सारे होते हैं एकल, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, एकल कोशिकीय होते हैं, यानी जीवाणु एक कोशिका है। अब जरा सोचिए, मैं एक जीव हूं, ध्यान से सुनना, मैं एक जीव हूं, है ना, क्या मैं एक कोशिका से बना हुआ हूं क्या? आप बोलेंगे सर हमारे जीवन की शुरुआत एक कोशिका से हुई थी, लेकिन अभी मेरे अंदर एक कोशिका है क्या? नहीं, मेरा शरीर तो बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ है, यानी मैं बहु कोशिकीय जीव हूं। जीवाणु बहु कोशिकीय होते हैं? नहीं, इनका शरीर बहु कोशिकीय होता है? नहीं, कैसे होते हैं, एकल कोशिकीय। नील हरित शैवाल एकल कोशिकीय, माइकोप्लाज्मा एकल कोशिकीय, यानी इस मोनेरा जगत के अंदर, दो वर्ड याद रखने, मोनेरा जगत के अंदर ये जीव आते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, एकल कोशिकीय होते हैं। डना डन डन,
क्लियर, इतनी सी बात समझ में आ गया। तो ये सिंपल सा बिंदु, आई होप मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब आपका प्रश्न क्या होगा वो मैं आपसे आपको बताता हूं। देखिए, आगे चलने से पहले आप पूछेंगे, सर साइनोबैक्टीरिया में बैक्टीरिया आ रहा है, फिर इसको शैवाल क्यों बोला? क्योंकि बेटा शैवाल वर्ड उनके लिए यूज में आता है जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो आपने याद रखना है, ये फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, ये भी नहीं करता, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, खाना खुद बनाते, स्वपोषी होते हैं, याद रखना। इस पृथ्वी पर सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण, स्वपोषण किसने दिखाया था? इन्होंने ही दिखाया था। अब देखिए, बायो में ना एक खासियत क्या है, एक खासियत क्या है कि 38 चैप्टर है नीट के लिए, जिसमें से कहीं ना कहीं एक दो चैप्टर, या मैं बोलूंगा कई चैप्टर आपस में लिंक्ड है, आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे आपका एक विकास चैप्टर आता है 12वीं कक्षा में, विकास इवोल्यूशन, वहां पर आप ये पढ़ेंगे कि सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण इस पृथ्वी पर जिस प्राणी ने किया था, सॉरी इस प्रकाश संश्लेषण जिस जीव ने किया था, प्राणी ना बोल, प्राणी कौन होता है, एनिमल्स, जिस जीव ने किया था, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म ने किया था, वो कौन था? नील हरित शैवाल था, साइनोबैक्टीरिया था। भूल मत जाना, इस पृथ्वी पर सबसे पहले फोटोसिंथेसिस पेड़ों ने नहीं किया था, प्रकाश संश्लेषण पेड़ों ने नहीं किया था, इसने किया था। समझ में आया? तो इसने प्रकाश संश्लेषण किया, ये नहीं करते। तो आप बोलेंगे सर इसीलिए इनको नाम दिया शैवाल, तो साइनोबैक्टीरिया क्यों बोला? साइनोबैक्टीरिया इसलिए बोला क्योंकि ये एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक कोशिका है। पेड़ पौधे जो स्वपोषी, जो प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, वो यूकैरियोट्स है। ये क्या है? प्रोकैरियोट्स है, इसलिए वर्ड आया साइनोबैक्टीरिया। शैवाल इसलिए आया क्योंकि ये अपवाद है बैक्टीरिया का कि ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए, ये चीज समझ में आ गई। अब आप पूछेंगे सर ये PPLO क्या है, बताता हूं। आइए, PPLO का मीनिंग, आगे बढ़ने से पहले आपको याद है मैंने शायद दूसरे लेक्चर में आपसे पूछा था सबसे बड़ी कोशिका इस पृथ्वी पर कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है इस पृथ्वी पर, याद है आपको? सबसे बड़ी कौन सी थी, याद करिए, सबसे बड़ी कौन सी थी? शुतुरमुर्ग का अंडा, याद आ रही। और सबसे छोटी कौन सी थी, ये भी याद करिए, सबसे छोटी कौन सी थी? माइकोप्लाज्मा, बोला था ना माइकोप्लाज्मा। तो याद रखना, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है इस पृथ्वी पर और सबसे छोटा जीव भी है। क्यों? क्योंकि ये एकल कोशिकीय जीव है, ये एक जीव भी है जिसके अंदर सारे कार्य हो रहे हैं, ये कोशिका भी है, एक ही कोशिका जिसके अंदर सारे कार्य हो रहे हैं, यानी एकल कोशिकीय जीव है। तो जरा सोचिए, सबसे छोटी कोशिका ये है तो सबसे छोटा जीव भी यही है। आए समझ में? ऊपर से तो नहीं उड़ गया ना, पक्का? चलें आगे, आइए अब आगे चलते हैं। अब आप फाइनली पूछेंगे सर PPLO क्या है, क्या है PPLO, इतनी देर हो गई, PPLO समझाओ ये है क्या। आइए समझते हैं। देखिए PPLO शब्द जो है उसका नाम है, उसको हम बोलते हैं प्ल्यूरो निमोनिया सम जीव। क्या बोलते हैं? प्ल्यूरो निमोनिया सम जीव, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये इंग्लिश में बोला, ये हिंदी में बोला। अब साहब मीनिंग क्या है, यही तो पूछेंगे ना। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखिए जीव का मतलब समझ में आता है ऑर्गेनिज्म, यानी हम बोल रहे हैं माइकोप्लाज्मा जो है वो एक PPLO है। माइकोप्लाज्मा एक क्या है? PPLO है। अब साहब PPLO क्या है? हमने बोला PPLO वो जीव है किसके जैसे है, लाइक का मतलब किसी के समान है, किसके समान है? अब वर्ड आ रहा है निमोनिया और फिर उससे पहले आ रहा है प्ल्यूरो। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, समझ में नहीं आया, अभी रुको ध्यान से सुनो। देखो बेटा, मैंने यहां पर बोला ये तीन प्रकार के जीव मुनेरा जगत में आते हैं जो प्रोकैरियोटिक है। इतनी सी बात समझ में आ गई थी ना आपको, है ना? अब देखिए, इन तीन प्रकार के जीव में से, ध्यान से सुनना, जीवाणु में कोशिका भित्ति मिलती है कि नहीं मिलती है? कोशिका भित्ति, याद करिए, कोशिका भित्ति याद आ रही है? भूले तो नहीं है? कोशिका भित्ति रॉबर्ट हुक में बताई थी, याद आ रही है? मृत भाग होता है कोशिका का, क्या होता है? कोशिका भित्ति।
है ना, हार्डनेस देती है, टफनेस देती है, दृढ़ता देती है, कौन? कोशिका भित्ति। ठीक है, अब जरा सोचिए, मैंने आपसे बोला कि जीवाणु में कोशिका भित्ति है या नहीं है, जीवाणु में कोशिका भित्ति है या नहीं है, तो मैंने बोला हां जीवाणु में कोशिका भित्ति है, नील अरिष्टे वाले में कोशिका भित्ति है, लेकिन एकमात्र ऐसा जीव मोनेरा जगत का, ध्यान से सुनना, एकमात्र ऐसा जीव मोनेरा जगत का जिसमें कोशिका भित्ति नहीं है, नीट 2019 का प्रश्न है ये, ध्यान से सुनना, क्या कि माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति हीन होते हैं, यानी इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, यानी जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव इस पृथ्वी पर मिल रहे हैं सभी में कोशिका भित्ति होती है, सिवाय किसको छोड़कर, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। आप बोलेंगे फिर आगे आगे, ध्यान से सुनना, अब आप बोलेंगे सर प्लूरो क्या है, निमोनिया क्या है, आप मुझे आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन सोचना बेटा, निमोनिया जानते हैं रोग होता है, निमोनिया एक रोग होता है, किससे होता है, किससे होता है, आप बोलेंगे सर जीवाणु से होता है, जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, कौन से जीवाणु से होता है, बता सकते हैं कौन से जीवाणु से निमोनिया रोग होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये इसका वैज्ञानिक नाम है इस जीवाणु का। एक और होता है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, कोशिश करा करें जो वैज्ञानिक नाम है उसको इंग्लिश में ही पढ़ने की, अभी से आदत डाल लेंगे तो डॉक्टर बनेंगे तो और ज्यादा फायदा होएगा, है ना बच्चों, समझ में आ गया बेटा जी, क्लियर है इतनी सी बात। चल, ये दो प्रकार के आपके जीवाणु हैं जिनसे जिनसे क्या हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये वो जीवाणु है जिनसे निमोनिया होता है, और जब निमोनिया होता है तो निमोनिया रोग में कुछ लक्षण पैदा होते हैं, मैं बोलूंगा हाँ जी बिल्कुल होते हैं, होते हैं ना, जुकाम खांसी होती है निमोनिया रोग में, है ना, श्वसन से संबंधित रोग होता है, कौन सा, निमोनिया। चलो जी बहुत अच्छी बात है ना, अब आप बोलेंगे ये निमोनिया का यहां पर क्या मतलब है, हम तो माइकोप्लाज्मा की बात कर रहे थे, तसल्ली अभी बता रहा हूं, धैर्य रखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, प्लूरो का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताएं, ऐसा कोई जीव देखा है आपने जो आकृति बदलता हो, अभी ऐसा है थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा, आप बोलेंगे हाँ सर जानते हैं कौन, अमीबा। अगर आप ये जानते हैं अमीबा में कोई निश्चित आकृति नहीं होती तो ये भी जानते होंगे कि क्यों नहीं होती, ये तो जानते हैं कि इसकी निश्चित आकृति नहीं होती, आकृति बदलती रहती है, किसकी, अमीबा की, क्यों जानते हैं, किसी से पूछा कि क्यों बदल रही है, अगर नहीं पूछा तो अब याद रखना, अमीबा की आकृति इसलिए बदल रही है क्यों, क्योंकि इसकी एक निश्चित आकृति को बनाए रखने के लिए जो चीज चाहिए थी वो थी कोशिका भित्ति, जो यहां नहीं है। क्या बोला, कोशिका भित्ति एक दृढ़ संरचना होती है, हार्ड होती है, जो एक कोशिका के आकार को बनाए रखती है, याद रखना, एक कोशिका के आकार को बनाए रखती है, अमीबा में कोशिका भित्ति नहीं है तो इसका आकार जो होएगा वो दृढ़ नहीं होगा, और दृढ़ नहीं होएगा तो बदलता रहेगा, तो आप बोलेंगे सर उस हिसाब से तो हमारे अंदर भी कोशिका भित्ति नहीं होती, पूछेंगे ना सर हमारे अंदर भी कोशिका भित्ति नहीं होती, और हमारे अंदर अगर कोशिका भित्ति नहीं होती तो हमारी कोशिकाओं का भी निश्चित आकार नहीं होना चाहिए था, है ना, है ना, लेकिन हमारी कोशिकाओं का तो निश्चित आकार होता है, कैसे, तो बेटा जी हम जब पढ़ेंगे ना यूकैरियोटिक कोशिका तो वहां पर वर्ड आएगा साइटोपंजर, कोशिका कंकाल, बात करेंगे सूक्ष्म नलिका, सूक्ष्म तंतु की कुछ ऐसी संरचनाएं जो हमारी कोशिका को, जंतु कोशिका को निश्चित आकृति देती है, कंकाल बनाती है, उसकी आकृति को बनाए रखती है, वो तब बताऊंगा, अभी के लिए सिर्फ इतना सा याद रखना, अमीबा में कोशिका भित्ति नहीं है, कोशिका भित्ति नहीं है तो इसका एक निश्चित आकृति नहीं होती है, आकृति बदलती रहती है, ऐसे जीवों को जिनकी आकृति बदलती रहती है उनको हम बोलते हैं प्लूरो या प्लियो, प्लूरो मॉर्फिक
या इसको हम प्लियो मॉर्फिक भी बोलते हैं। अब जरा सोचना, ये सारी चीजें समझ में आ गई, यहां तक की चीजें समझ में आ गई। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ क्यों बोला। फाइनली कहानी जो आ रही है वो ये कि माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ क्यों बोला। तो ध्यान से सुनना, अगर ये माइकोप्लाज्मा मेरे अंदर जाए, अगर ये माइकोप्लाज्मा मेरे अंदर जाए, एक ऐसा जीव जिसकी निश्चित आकृति नहीं है, सुनना, एक ऐसा जीव जिसकी निश्चित आकृति नहीं है, क्यों नहीं है? सोचो, क्योंकि इसके पास कोशिका भित्ति नहीं है। जैसे अमीबा के पास कोशिका भित्ति नहीं थी तो निश्चित आकृति नहीं थी, उसी प्रकार माइकोप्लाज्मा की भी निश्चित आकृति नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोशिका भित्ति नहीं है। तो ये एक प्लूरोमॉर्फिक जीव है। प्लूरोमॉर्फिक से वर्ड आया यहां पर प्लूरो। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई कि माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ बोला, क्यों बोल रहे माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ। सबसे पहले माइकोप्लाज्मा में हमने वर्ड देखा प्लूरो, इसलिए बोला क्योंकि माइकोप्लाज्मा की निश्चित आकृति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माइकोप्लाज्मा के पास कोशिका भित्ति नहीं है। पूरे प्रोकैरियोट्स में, पूरे मोनेरा जगत में एकमात्र ऐसा जीव जिसको हमने प्लूरो बोला है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोशिका भित्ति नहीं थी, इसकी इसलिए इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं थी। चलो, है ना। अब माइकोप्लाज्मा मेरे अंदर गया, और मेरे अंदर जब जाएगा तो मेरे अंदर रोग उत्पन्न करेगा, और जब वो रोग उत्पन्न करेगा तो उस रोग के लक्षण जो हैं बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे न्यूमोनिया रोग के जैसे होते हैं। यानी जब ये संक्रमण करता है, संक्रमण करता है तो लक्षण जो उत्पन्न होते हैं उस रोग में वो बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम किसके जैसे होते हैं, वैसे लक्षण जो वास्तव में निमोनिया रोग में होते हैं, जो इन जीवाणुओं से होते हैं, है ना। अब जरा सोचिए, ऐसा जीव जो किसके समान है, ऐसा जीव जो किसके समान है, उन जीवों के समान है, उन बैक्टीरिया के समान है जो जो न्यूमोनिया कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जब ये रोग उत्पन्न करेगा तो इसके उत्पन्न होने से, इसके रोग उत्पन्न होने से या इसके कारण जो लक्षण उत्पन्न होंगे बिल्कुल वैसे होंगे जो इन जीवों के समान लक्षण पैदा हो रहे थे इस रोग में। इसीलिए हमने माइकोप्लाज्मा को क्या बोला? पीपीएलओ। आई होप अब समझ में आ गया होगा। आज की बात मत भूलना, माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ क्यों है? क्योंकि इसकी एक तो आकृति बदलती रहती है, क्योंकि इसके पास कोशिका भित्ति नहीं है, इसलिए वर्ड आया था प्लूरो। और निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म क्यों बोला? क्योंकि ये उन ऑर्गेनिजम्स के जैसा है, उन जीवों के जैसा है जो निमोनिया कॉज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके इसके संक्रमण से जो रोग उत्पन्न होंगे उनमें लक्षण बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे निमोनिया में होते हैं। आई होप अब समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो ये बेटा मैंने आपको सीधा सीधा बताया कि भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये हमें ज्ञान होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, ध्यान से सुनना, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो कौन से जगत में आते हैं? जीव जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है मोनेरा जगत में। कौन से जीव होते हैं? सब ये होते हैं। इनमें से कौन सा जीव है जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है? ये कर सकता है एकमात्र, इसलिए अलग से इसको हमने नाम दिया साइनोबैक्टीरिया नीलहरित शैवाल। फिर हमने बात करी माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा जीव है, सबसे छोटी कोशिका है, क्यों नाम दिया पीपीएलओ, बता दिया। अब आगे चलने से पहले ध्यान से सुनना बेटा, हर कंपनी का एक हेड होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक हेड होता है, बॉस होता है। उसी प्रकार हर, मैं बोलूंगा कि एक जैसे हमारी पार्टी होती है, बीजेपी पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई, इस तरीके से जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका भी कोई मेन नेता होता है, होता है। अब जरा सोचिए, मोनेरा जगत के अंदर ये प्राणी रखे गए हैं, तो इन सभी सॉरी मोनेरा जगत के अंदर ये जीव रखे गए, मैं बार बार प्राणी निकलता है मेरे मुंह से, प्राणी एनिमल्स, हाँ जी, मोनेरा जगत में ये जीव रखे गए हैं, तो ये एक पार्टी है, मान लेते हैं ये बीजेपी पार्टी है, तो इसका कोई ना कोई नेता होगा, कोई ना कोई श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं यहां पर ये मान लेते हैं मोनेरा जगत क्या है, एक पार्टी है, और इस पार्टी का बीजेपी पार्टी है, जिसका नेता कौन है, ये है,
कौन जीवाणु। तो तुलना करके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था क्या कि हर समूह का कोई मेन लीडर होता है, कोई मुख्य सदस्य होता है। तो मोनेरा जगत के अंदर ये जो जीव मिल रहे हैं, इन जीवों में मेन जीव जो है, मेन सबसे इंपॉर्टेंट जीव जो है वो है जीवाणु। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है। अब खुद सोचना, दिमाग लगाना। एक घर है जिसमें मान लेते हैं घर है जिसमें 20 प्रकार के कुत्ते रखे हुए हैं, दो प्रकार के, ध्यान से सुनना, 20 प्रकार के कुत्ते हैं, दो प्रकार की बिल्ली है और 3 प्रकार के चूहे हैं। 20 प्रकार के कुत्ते हैं, दो प्रकार की बिल्ली है, 3 प्रकार के चूहे हैं। अब जरा सोचिए वो घर किसके किसके द्वारा जाना जाएगा, इंपॉर्टेंट कौन है वहां पर, जो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे मिल रहे हैं, कौन, कुत्ते। तो वही चीज यहां पर है, क्या इस जगत के अंदर बहुत अलग अलग प्रकार के क्या मिलते हैं, बहुत सारे प्रकार के कौन मिलते हैं, जीवाणु ज्यादा मिलते हैं कंपैरेटिव टू नील हरित शैवाल, कंपैरेटिव टू माइकोप्लाज्मा। तो मेन जीव कौन हो गया मुनेरा जगत के अंदर बेटा जी, जीवाणु। समझ में आया? तो यहां तक की मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं समझ में आ गई होगी। अब बेटा जी हम देखने वाले हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका होती क्या है, उनके सामान्य लक्षण क्या होते हैं वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलें आगे। आइए बेटा, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपने याद रखना, इनका माप और आकार क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। माप और आकार क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। इनका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार भी अलग अलग होता है, आकार भी अलग अलग होता है, उनका माप भी, कोई बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, कोई अलग संरचना होती है, अलग अलग आकृति की होती है। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर कौन कौन सी आकृति मिलती है। देखिए बेटा, मुख्य रूप से मैंने आपको क्या बोला था, मेन जीव कौन है, जीवाणु है ना, जो मुख्य रूप से 4 प्रकार के क्या दिखाते हैं बेटा जी, आकार दिखाते हैं। 4 प्रकार के क्या दिखाते हैं, आकार दिखाते हैं। ठीक है, अब कौन से प्रकार के आकार दिखाते हैं, आइएगा देखिएगा, 4 प्रकार के आकार है, कौन कौन से, दंडाकार, गोलाकार, कोशाकार और सर्पिल। दंडाकार को बेटा जी हम बोलते हैं बेसिलस, मिल जाएगा ये शब्द आपको जरूर, बेसिलस। गोलाकार को बोलते हैं कोकस, कोशाकार को विब्रियो और सर्पिल को स्पाइरल। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर कैसे होते हैं दिखने में, आइए मैं दिखा देता हूं, चारों दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको दंडाकार, देखिए ये है दंडाकार, एक छड़ की आकृति में, छड़ यानी डंडे की आकृति में। ठीक है, क्या कहलाते हैं बेटा, बेसिलस। जैसे आपने सुना होगा दूध से जब हम दही बनाते हैं तो एक जीवाणु की जरूरत पड़ती है, क्या नाम होता है, लैक्टोबेसिलस, नाम सुना है ना। तो जरा सोचिए ये छड़ की आकृति में, डंडे की आकृति में, इनको हम बोलते हैं बेसिलस, दंडाकार। उदाहरण मैंने आपको बताया लैक्टोबेसिलस, जो हमें जिसकी जरूरत पड़ती है दूध से दही बनाने में। ठीक है, दूसरा देखिएगा गोलाकार, गोलाकार को इंग्लिश में क्या बोला, कोकस। देखिए कुछ इस तरीके से ये है, कैसे बेटा जी, गोलाकार जीवाणु। ये बेटा ये वास्तव में है, ये इमेजेस जो है ये वास्तव में है। ठीक है, ये है कैसे बेटा जी, गोलाकार, कोकस, लिखता जाओ यहां पर। देखिए ये कौन से हैं, कोकस है, ये कौन से थे बेटा जी, बेसिलस थे। बेसिलस का उदाहरण मैंने आपको क्या बताया, लैक्टोबेसिलस। कोकस का जरा सोचिए, अभी एक बीमारी बताई थी निमोनिया, किससे हुई थी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, वर्ड आया था ना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से क्या हुआ था, निमोनिया, ऐसी आकृति होगी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जी, अब ये देखो ये आकृति को जरा देखिएगा गौर से, ऐसा लगेगा सर ये तो शुक्राणु लग रहे हैं, नहीं शुक्राणु नहीं है, ये आकृति कुछ इस तरीके से होती है। और हमारा कॉमा जो होता है इस आकृति का होता है, कॉमा लगाते हैं ना, कॉमा। तो याद रखना ये जो आकृति जो होती है इसे हम बोलते हैं बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा, इसे हम बोलते हैं, याद रखना, इंग्लिश में बोलते हैं विब्रियो, क्या बोलते हैं, विब्रियो। हिंदी में बोलते हैं क्या बेटा जी, कोशाकार या कॉमा आकार, याद रखना। अब आप बोलेंगे सर इसका उदाहरण, देखिए एक जीवाणु मैं आपको बता रहा हूं, देखो उदाहरण भी मैं बताता जा रहा हूं, लैक्टोबेसिलस छड़ाकार था
और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कैसा था? गोलाकार था, कोकस का मतलब गोलाकार। अब विब्रियो का उदाहरण ध्यान से सुनना, विब्रियो कॉलेराई, विब्रियो कॉलेराई, देखिए जीवाणु का नाम है ये विब्रियो कॉलेराई, इससे जो रोग होता है उसका नाम होता है कॉलेरा, जिसको आमूमन तौर पर बोलते हैं हैजा। अब आप में से कईयों ने ये वर्ड जरूर सुना होगा, हैजा, उल्टी, दस्त लग जाते हैं, गंदला पानी पी लेते हैं, संक्रमित दूषित पानी पी लेते हैं, उल्टी दस्त लग जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हैजा बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉलेरा या ये हैजा जो होता है किससे होता है, एक जीवाणु से जिसका नाम है विब्रियो कॉलेरा। आप जरा सोचिए इस जीवाणु की आकृति कैसी होगी, कुछ ऐसी होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगी, कितनी आकृति हो गई है, तीन हो गई ना, तीन। अब चौथी आकृति ये है बेटा जी सर्पिल, ये है कौन, सर्पिल आकृति, स्पाइरल दिख रहा, आपने बुक्स में बाइंडिंग देखी होगी कैसी होती है, स्पाइरल बाइंडिंग होती है कि नहीं होती, होती है ना। अब देखिए ये है सर्पिल, चले आगे। अब इसका उदाहरण आप पूछेंगे सर सर्पिल का उदाहरण, इसका उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं, हेलियो बैक्टीरियम। आप बोलेंगे सर इसके इस जीवाणु के नाम में सर्पिल तो नहीं है, स्पाइरल तो नहीं है, जरूरी थोड़ी ना हर नाम में बेसिलस आए, कोकस आए, विब्रियो आए, वो तो आ गया था इसलिए आपको बता दिया था, जरूरी नहीं है हर जीवाणु के नाम में आपको क्या मिल जाए, वो शब्द मिल जाए बेसिलस कोकस ये। ठीक है, जैसे हेलियो बैक्टीरियम, अब हेलियो बैक्टीरियम की आकृति कुछ इस तरीके से होती है, कैसी होती है, स्पाइरल होती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये जो जीवाणु होता है बहुत ही ज्यादा खतरनाक जीवाणु है बेटा जी, क्या करता है ध्यान से सुनना, इससे हमारे आमाशय में अल्सर हो जाते हैं, आमाशय में घाव हो जाते हैं। अल्सर नाम सुना, अल्सर सुना, पेट में छाले हो गए हैं, सुना होगा पेट में छाले हो गए, पेट में घाव हो गए हैं, घाव। तो याद रखना ये पेट में घाव करने के लिए उत्तरदायी होता है, कौन बेटा जी, आपका हेलियो बैक्टीरियम, भूला नहीं है। ठीक है, और इसका पता कैसे लगता है ये भी मैं आपको बता देता हूं, जब दूषित पानी आप पी लेते हैं, ये भी दूषित पानी पीने से होता है, दूषित खाना खाने से होता है, ये जीवाणु जब हमारे शरीर में जाता है, हमारे आमाशय में जाता है, तो हमारे आमाशय के अंदर जो यूरिया होता है उसको अमोनिया में बदल देता है, किसको, यूरिया को अमोनिया में, और अमोनिया हमारे पेट की जो दीवारें हैं उनको प्रभावित करता है, जिससे घाव हो सकते हैं। ठीक है, और उनको हम बोलते हैं वैसे पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर। अभी के लिए पेट में घाव उत्पन्न करता है कौन, हेलियो बैक्टीरियम, बहुत ही खतरनाक है। आई होप यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, ये चार प्रकार के आकार मैंने आपको दिखा दिए हैं, किसके बेटा जी, जीवाणुओं के। सबसे इंपॉर्टेंट नेता जो था उस पार्टी का, कौन सी पार्टी का, मोनेरा जगत पार्टी का जो मुख्य नेता है वो कौन है, जीवाणु। तो हम जीवाणु के आकार देख रहे हैं मुख्य रूप से। ठीक है, आई होप यहां तक के दो सिंपल से बिंदु समझ में आ गए हैं, चले आगे। अब धीरे धीरे फटाफट जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको फटाफट खत्म करते, आइए आगे चलते हैं बेटा जी। आगे चलने से पहले मैंने आपको बोला था क्या आएंगे, क्विज आएंगे, बोला था ना आज क्विज आएंगे। तो बेटा जी पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, रेडी हो जाइए भैया, रेडी हो जाइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने से पहले रेडी हो जाइए, मैंने बोला था आज दो बार क्विज आएंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, फर्स्ट, ओमनिसेल्यूल ई सेल्यूला कथन किस वैज्ञानिक ने दिया था, सोचिए, नीट में ये प्रश्न आया है 2016 में भी, 2019 में भी, ओमनिसेल्यूल ई सेल्यूल ये कथन किस वैज्ञानिक ने दिया था, मेंडल ने, रुडोल्फ बिर्चू ने, श्लाइडन ने या स्वान ने, जल्दी से बताएं। हाँ बोलेंगे सर इतना इजी प्रश्न, ऐसा नीट में आता है, हाँ जी बिल्कुल आता है, सिंपल ही आता है, पता नहीं क्यों याद क्यों नहीं करते हैं बच्चे, समझ नहीं आता। हाँ जी कर लिया, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, थियोडोर श्वान थे क्या थे, वनस्पति वैज्ञानिक, प्राणी वैज्ञानिक, दोनों वनस्पति वैज्ञानिक भी थे, प्राणी वैज्ञानिक भी थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं, श्वान पूछा, श्वान चल, आई होप कर लिया होगा। आइए बेटा देखते हैं, पहला प्रश्न था ओमनिसेल्यूल ई सेल्यूल ये कथन किसने दिया था, बहुत फेमस कथन है, और मैंने आपको बताया था एक नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है, ये किसने बताया था या कोशिका सिद्धांत पूरा किसने किया था, आई होप याद होगा, रुडोल्फ बिर्चू, कौन थे बेटा, रुडोल्फ
बिरचू जिन्होंने ये कथन दिया था। और आप बोलेंगे सर ऐसा प्रश्न आता है, हाँ ऐसे टुच्चे स्तर के भी प्रश्न आ जाते हैं, लेकिन सारे ऐसे तो नहीं होंगे ना, ये भी समझना कि सारे सर ऐसे ही प्रश्न होते हैं नहीं, किसी का स्तर बहुत हाई भी होता है कई क्वेश्चंस का, ठीक है। लेकिन हम बोलेंगे हाँ इजी होता है पेपर अगर ढंग से पढ़ा हो। दूसरा, थियोडोर श्वान कौन थे, याद करिए, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। कौन थे? प्राणी वैज्ञानिक या वनस्पति वैज्ञानिक? तो बेटा जी प्राणी वैज्ञानिक थे। अब जिन्होंने पिछला लेक्चर लिया है उनको याद होगा, जिन्होंने नहीं लिया ऑब्वियसली बात है क्या करेंगे, आंख बंद करके जय माता दी, जहां पर भी टिक जाए लग जाए हाँ जी हो गया ऐसा नहीं करते ना, पक्का ना। चलिए तो ये बेटा जी हमारे सिंपल सा आज का पहला क्विज था, अभी लास्ट में एक और क्विज भी आएगा, ठीक है। आइए बेटा, हम बात कर रहे थे यहां पर किसके लक्षण देख रहे थे, प्रोकैरियोटिक कोशिका के। बहुत सिंपल सी चीजें मैंने बताई, आकार माप अलग अलग होता है, अलग अलग आकृति के होते हैं, जीवाणु की चार प्रकार की आकृति हमने देखी। अब आगे पढ़ते हैं और ध्यान से सुनना बेटा जी, ये वाला बिंदु ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, क्या बताया था, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, बताया था ना, सभी के अंदर होती है सिवाय किसको छोड़कर, माइकोप्लाज्मा में इसका अभाव होता है जिसकी वजह से उसकी आकृति बदलती रहती है, भूल मत जाना, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मैंने एडवांस में आपको ये वाला लक्षण आपको बता दिया था, ठीक है। चलें आगे, आइए बेटा जी अब बात आ रही है, सर इतनी देर से हम प्रोकैरियोटिक बोले जा रहे, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है, क्या प्रोकैरियोटिक होता क्या है ना, ध्यान से सुनना बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। इंग्लिश का वर्ड है प्रोकैरियोटिक और इंग्लिश का ही वर्ड है यूकैरियोटिक, ये दोनों अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द हैं। बोलेंगे सर बहुत हिंदी कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये दोनों इंग्लिश के वर्ड हैं, हमने इसको हिंदी में अपनी लैंग्वेज में लिख दिया प्रोकैरियोटिक, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, सुकेंद्रकीय कोशिका, पूर्व केंद्र की है कोशिका, ये हिंदी में बोला जाता है। लेकिन हम पढ़ते आ रहे हैं, हमारी हिंदी में भी कई बार यही वर्ड यूज में लेते हैं, क्या बेटा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब बात करते हैं मीनिंग क्या है, ठीक है। पहले तो देखिए दोनों शब्दों को, इंग्लिश के दोनों शब्दों को देखिए, इसमें कॉमन क्या है, कैरियोटिक, कैरियोटिक, यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज का मीनिंग तो सेम होगा, लेकिन अंतर कहां आ रहा है, आप बोलेंगे सर यू में आ रहा है, यहां यू है यहां प्रो है, सर क्या अंतर है। पहले तो कैरियोटिक वर्ड देख लेते बेटा, ये कैरियोटिक वर्ड जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है, कौन, कैरियोन, उससे आया है, यहां पर भी कैरियोन होगा, और कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक, यानी बीच में मिलने वाली चीज, जो केंद्र में मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रक। यानी इतना तो समझ में आ गया कि यहां पर ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है इसमें बात किसकी हो रही है, केंद्रक की हो रही है। अब बात आ रही है प्रो, प्रो का मतलब होता है प्राचीन, पुराना, पहले का, पुराना बोल दिए, प्राचीन बोल दीजिए, पहले का बोल दीजिए, ये मीनिंग होता है किसका, प्रो का। और यहां पर पूर्व भी लिखा हुआ, पूर्व का मतलब पहले। अब यहां पर लिखा हुआ यू का मतलब होता है नया, मॉडिफाइड, ठीक है, सुविकसित, अब जरा सोचिए, मैंने आपसे एक सिंपल सी चीज बोली कि ऐसी कोशिका जिनके अंदर सुविकसित केंद्रक मिल रहा है, और ऐसी कोशिका जिसके अंदर केंद्रक मिल ही नहीं रहा है, सीधा बोलते हैं मिल ही नहीं रहा है,
और अगर मिल भी रहा है तो उसका जो आवरण है ना, केंद्रक का आवरण, वो ढंग से नहीं मिल रहा है, टूटा फूटा मिल रहा है। तो अब जरा सोच समझ कर मुझे बताएं, सुविकसित केंद्रक इस कोशिका में मिल रहा है तो ऐसी कोशिका को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक, और जिसमें केंद्रक है ही नहीं या तो, और अगर है भी तो ढंग से दिख नहीं रहा, उसका आवरण नहीं दिख रहा, केंद्रक का आवरण नहीं दिख रहा, या सीधा सीधा बोलो भैया कि इनमें सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता, उन कोशिकाओं को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। हालांकि ये मुझे स्टार्टिंग में बता देना चाहिए था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, बता दिया। आपको याद रखना है आपने कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब क्या होता है, वह कोशिका जिनके अंदर सुविकसित केंद्रक नहीं मिलता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। आई होप यहां तक की चीज समझ में आ गई होगी। चले आगे, कंफ्यूजन तो नहीं है, चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब देखिएगा, अनुवांशिक पदार्थ नग्न होता है। अरे बाबा ये क्या है, अनुवांशिक पदार्थ नग्न होता है, ये समझते हैं। देखिए बेटा, ये आपको दो कोशिकाएं दिख रही हैं, है ना, इन दो कोशिकाओं में केंद्रक यहां पर दिख रहा है, यहां पर नहीं है। चलो जी बहुत अच्छी बात है, अब आगे आगे क्या करें, ध्यान से सुनना, सोच समझ कर एक सिंपल सी चीज सुनना, सोच समझ कर एक सिंपल सी चीज आंसर खुद देने की कोशिश करेगा अपने मन में, है ना, ये केंद्रक के अंदर मिलता क्या है। आपने अगर जीव विज्ञान पढ़ा है 11वीं कक्षा में तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, 9th 10th में भी पता लग जाता है, ये केंद्रक के अंदर मिलता क्या। अगर नहीं भी पता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें पता होना चाहिए केंद्रक के अंदर क्या मिलता है। याद रखना, क्या, एक ऐसा पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। आप बोलेंगे क्या सर समझ नहीं आया, फिर से सुनना, ध्यान से सुनना, कान खोलकर सुनना, सोना नहीं है, कान खोलकर सुनना है, इंटरेस्ट पैदा करें, कान खोलकर सुनिए, सोचिए क्या बोला, मेरी मम्मी से मेरे पापा से मेरे अंदर सिर्फ एक चीज आई। आप बोलेंगे क्या सर, मैं बोलूंगा संस्कार। नहीं, मजाक कर रहा हूं, मैंने पूछा आपसे, मेरी मम्मी से मेरे पापा से मेरे अंदर एक चीज आई है, और वो है क्या, DNA। क्या, DNA, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, एसिड बोलते हैं इंग्लिश में, और एसिड को अम्ल बोल दो हिंदी में, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल हिंदी में बोल देते हैं, ठीक है। ये बेटा डीएनए है, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना सी चीज कि मेरी मम्मी से मेरे पापा से मेरे अंदर क्या आ रहा है, डीएनए आ रहा है। तो याद रखना, आनुवंशिक पदार्थ का मतलब क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है, वो पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता है, जनक से बच्चों में आता है, माता पिता से अपने बच्चों में आता है, उसे हम बोलते हैं आनुवंशिक पदार्थ, जो इस पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ डीएनए है, सिर्फ और सिर्फ डीएनए, चाहे जीवाणु हो, चाहे बड़ा सा हाथी हो, चाहे व्हेल मछली हो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सिर्फ डीएनए जाता है। आप बोलेंगे सर आरएनए भी तो जाता है, अब आप में से कईयों को तो आरएनए भी नहीं पता होगा, आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। बेटा आरएनए आनुवांशिक पदार्थ है, आप बोलेंगे अभी तो बोला था नहीं है, है लेकिन सिर्फ वायरस में, सिर्फ वायरस में, विषाणु में, और वायरस कोशिका नहीं है, जीव नहीं है, याद रखना, वायरस कोई कोशिका नहीं है, कोई जीव नहीं है। तो मैंने क्या बोला, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है, डीएनए, आरएनए नहीं होता, आरएनए होता है किसमें, वायरस में, जो जीव नहीं है, जो कोशिका नहीं है, वो एक कण है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल, कण बोलते हैं, ठीक है। चले आगे, जो शरीर के बाहर निर्जीव होता है, शरीर के अंदर सजीव होता है, ठीक है, समझ में आया। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है कौन, विषाणु। तो याद रखना, विषाणु में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन इस पृथ्वी पर एक जीवाणु से लेकर एक बड़ी सी मछली, वेल मछली तक अगर मैं बात करूं तो आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है, डीएनए। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला पदार्थ क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, जो क्या होता है, डीएनए होता है। माता पिता से बच्चों में आने वाला पदार्थ क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ, जो कौन है, डीएनए है। अब जरा सोच समझ कर मुझे बताएं, ये डीएनए कहां मिल रहा है, केंद्रक के अंदर। हां जी भैया, केंद्रक के अंदर मिल रहा है। चलो जी, अब आप मुझे बताएं, क्या इस डीएनए ने कपड़े पहन रखे हैं। आप बोलेंगे क्या,
क्या इस डीएनए ने कपड़े पहन रखे हैं? आप बोलेंगे क्या, अरे भैया हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े हमारा एक आवरण है या नहीं है? आप बोलेंगे हाँ आवरण है, तो जरा सोचिए डीएनए का आवरण है या नहीं है, ये डीएनए किससे ढके हुए हैं? नग्न तो नहीं है ना, नग्न तो नहीं है ना, किसी से ढके हुए केंद्रक आवरण से। लेकिन जरा यहां पर देखना, यहां पर जो डीएनए है बेटा, ध्यान से देखना, यहां पर तो डीएनए आपको कैसा दिखाई दे रहा है? देखो एक डीएनए ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, ऐसे भरे पड़े अंदर, अरे अंदर भरे पड़े, बहुत सारे भरे पड़े हैं। यहां पर देखिएगा, बस इतना सा, मात्र इतना सा डीएनए। अब जरा सोचिए, ये डीएनए एक है, एक, यहां पर बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। लगभग मेरी अगर मैं बात करूं, मेरे केंद्रक में डीएनए के खंड जो हैं लगभग 92 हैं। कितने? 92, 92 है ना। ये एक डीएनए दिख रहा है आपको, एक और भी दिख रहा होगा। अब कई बच्चों को नहीं पता तो मैं जल्दी से बता देता हूं, ये एक डीएनए, ये दूसरा डीएनए, दो डीएनए को मैंने जोड़ दिया, क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। अब जोड़ने से जो संरचना बनती है उसे हम बोलते हैं गुण सूत्र। अब बालक जरा जल्दी से सोचो, मैंने क्या बोला, मेरी एक कोशिका के अंदर कितने डीएनए के खंड है ऐसे? 92। आप बोलोगे सर हमने तो पढ़ा था 46 होते। अरे बालक 92 डीएनए का ऐसे, एक एक और ऐसे करते 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 कितने हैं? 92। एक गुणसूत्र कितने डीएनए के खंडों से बना हुआ है? दो। ये दो मिलकर क्या बना रहे हैं? एक गुणसूत्र, तो 92 मिलकर क्या बनाएंगे? 46 गुणसूत्र बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। और गुणसूत्र में डीएनए जरा सोचिए गोलाकार है कि सीधा सीधा है? सीधा सीधा है, या कुंडलित बोल देता हूं, लेकिन जरा सोचिए गोल गोल तो नहीं घूम रहा ना, जैसा यहां पर है। देखो यहां पर प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसा है? गोलाकार। कौन? डीएनए। अब आप मुझे बताएं, क्या ये डीएनए किसी आवरण से ढका हुआ है? नहीं, कोई आवरण से नहीं ढका हुआ। तो जरा सोचिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो अनुवांशिक पदार्थ है वो कैसा है? नग्न है, उसने कपड़े नहीं पहन रखे हैं, केंद्रक आवरण नहीं है, केंद्रक में नहीं है, तो क्या बोलेंगे? नग्न बोलेंगे, पहली चीज। अब यहां पर है ना, नग्न का दो मतलब है, ध्यान से सुनना, यहां पर ना नग्न के दो मीनिंग आते हैं। एक नग्न का मतलब कि डीएनए के बाहर कोई केंद्रक का आवरण नहीं है, पहला। दूसरा सुनिएगा, ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। आप जानते हैं मेरे अंदर ये जो डीएनए जो है, ये जो 92 डीएनए थे, कितने थे बेटा जी? 92 ये जो डीएनए थे, दो डीएनए के खंड जोड़कर कितने बन गए? 46। इतनी सी बात समझ में आ गई बेटा? अगर इन 92 डीएनए को अगर मैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये एक लिया, फिर एक और लिया, फिर एक और लिया, ऐसे करते करते अगर मैं जोड़ता जाऊं, जानते हैं कितना लंबा होएगा वो टोटल डीएनए, वो पूरा डीएनए का लड़ी जो होगी, धागा जो होगा, जानते हैं कितना लंबा होएगा? यहां से लेकर यहां तक कितना होता है? 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, फिर वापस से 1 मीटर। यानी यहां पर मैं खड़ा हूं तो यहां से यहां 1 मीटर, फिर मैं यहां आया, यहां से यहां मतलब उधर की तरफ 1 मीटर, कितना? लगभग 2 मीटर, लगभग 2.2 मीटर लंबा डीएनए मेरी कोशिका के केंद्रक में है। आप बोलेंगे सर वहां से लेकर इतना लंबा डीएनए आपकी कोशिका के, कोशिका में भी किसमें? केंद्रक में है। मैं बोलूंगा हाँ हाँ है। आप बोलेंगे सर कैसी बातें कर रहे हो, हमें तो कोशिका हमारी हाथ में, हमारी त्वचा में दिखाई नहीं दे रही, दिख ही नहीं रही हम, कोशिका कहाँ है हमें, हमें पता लग रहा है क्या? नहीं, कोशिका नहीं दिख रही, कोशिका के अंदर केंद्रक दिखेगा? अरे नहीं भैया, केंद्रक भी नहीं दिखेगा, और केंद्रक नहीं दिखेगा तो केंद्रक के अंदर इतना लंबा डीएनए कैसे आ गया? कैसे आ गया, कैसे आ गया, कैसे आ गया, सोचो कैसे आ गया। एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, जल्दी से समझ में आ जाएगा। बेटा आप सभी ने ये तो उड़ाई होगी, उड़ाइए पतंग। हर बार बच्चों को मैं यही उदाहरण देता हूं, जरा सोचिए पतंग उड़ाइए। आप बोलेंगे हाँ सर पतंग उड़ाइए। बेटा ये पतंग मान लो मेरे को उड़ानी है, 1 किलोमीटर लंबी पतंग मेरे को उड़ानी है, तो 1 किलोमीटर लंबा मेरे को धागा चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। क्या बोला मैंने? 1 किलोमीटर दूर तक मेरे को पतंग उड़ानी है, तो 1 किलोमीटर लंबा मेरे को क्या चाहिए? धागा चाहिए। अब जरा सोचिए इतने लंबे धागे को क्या मैं इतने से चरखे पर लपेट सकता हूं?
बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। इतना लंबा धागा उसको इतने से चरखे के ऊपर लपेट सकता हूँ, हाँ लपेट सकता हूँ। बस मेरे भाई वही काम हमारे अंदर भी हो रहा है, क्या कि ये जो डीएनए जो अंदर इतना लंबा सारा जो डीएनए है अंदर, ये कहीं ना कहीं लिपटा हुआ है एक चरखे के ऊपर, और वो जो चरखा जो है वो है, याद रखना, हिस्टोन प्रोटीन। कौन है बच्चे? हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या है? एक प्रोटीन है जिसके ऊपर दनादन क्या लपेटे जा रहे हैं, डीएनए को लपेटे जा रहे हैं। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारा इतना लंबा डीएनए केंद्र के अंदर फिट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, कंफ्यूजन तो नहीं था। अब जरा ध्यान से सुनना, डीएनए लिपट रहा है किसके ऊपर, हिस्टोन। हिस्टोन को भी आप यूं मान लीजिए, हिस्टोन जो है एक तरीके से कपड़ा है जिसके ऊपर डीएनए लिपटता जा रहा है। कपड़ा है डीएनए का, डीएनए का कपड़ा है कौन, हिस्टोन, जिसके ऊपर लिपटता जा रहा है कौन, डीएनए। आप बोलेंगे सर कपड़े के ऊपर लिपटते थोड़े ना, जस्ट एक मानकर चलना, क्या डीएनए के कपड़े हैं कौन, हिस्टोन, जिसके ऊपर लिपटता जा रहा है। चलो जी बहुत अच्छी बात है, अब ध्यान से सुनना। यहां पर बेटा, यहां पर जो डीएनए है उसके पास कपड़े नहीं है, वो नग्न है, वो नंगा है, कौन, डीएनए। कैसे? कि एक तो उसके ऊपर कोई केंद्रक आवरण नहीं है, एक तो ये चीज, एक तो नग्न शब्द यहां पर एक तो ये चीज बता रहा है कि केंद्रक आवरण नहीं है, और दूसरा ये जो डीएनए है ये किसी के ऊपर लिपटा हुआ नहीं है। यहां पर इस डीएनए के पास इसका हिस्टोन नहीं है, यानी यहां पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते किसमें बेटा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। 2018 नीट का प्रश्न है ये, याद रखना, 2018 में नीट में प्रश्न पूछा गया था, याद रखना, क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका के पास क्या नहीं होता, याद रखना, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है जिसके ऊपर डीएनए लिपटता है, किसमें, यूकैरियोटिक कोशिका में, भूल मत जाना। क्लियर है? तो इस हिसाब से यहां पर नग्न वर्ड जो है इसके दो मीनिंग बैठ रहे हैं, एक तो ये कि भैया ये जो डीएनए इसके बाहर से कोई कपड़ा नहीं है, और दूसरा इसने अंदर से भी कपड़े नहीं पहन रखे हैं, कौन से बेटा जी, कौन से, हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर है? डनाडन, समझ में आ गया, याद रखना इस शब्द को, नग्न होता है अनुवांशिक पदार्थ किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, भूल मत जाना किसी भी हालत में। चले आगे, नेक्स्ट बेटा जी, नेक्स्ट बिंदु आ रहा है जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त क्या वर्ड आ रहा है, जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र गोलाकार डीएनए जो होता है उसके अतिरिक्त जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए व्रत जीनोमिक डीएनए के बाहर पाया जाता है, इन डीएनए व्रतों को प्लाज्मिड कहते हैं। आप बोलेंगे सर क्या लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, आइए मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, आपको ये एक बैक्टीरिया की कोशिका दिख रही होगी, जीवाणु की, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इस जीवाणु की कोशिका में बेटा जी ये जो आपको डीएनए दिख रहा है इस तरीके से गोल होता है, इस तरीके से मतलब घुमा हुआ, गोल 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 घुमा हुआ होता है। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या कि आनुवांशिक पदार्थ प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कैसा था, एक था, एक ही दिखाया था, देख लो, दिखाया था ना, एक है और कैसा है, गोलाकार है, बोला था। ये आनुवांशिक पदार्थ क्या कहलाता है, जीनोमिक डीएनए, क्या कहलाता है, जीनोमिक डीएनए या मुख्य आनुवांशिक पदार्थ, क्या कहलाता है बेटा, जीनोमिक डीएनए या मुख्य आनुवंशिक पदार्थ। ठीक है, अब क्या है ये जीनोमिक डीएनए, डीएनए है, मुख्य आनुवंशिक पदार्थ है, इस कोशिका के अंदर मिल रहा है, चलो जी बहुत अच्छी बात है। अब इसके अलावा अतिरिक्त एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, एक और डीएनए मिल रहा है, अतिरिक्त डीएनए मिल रहा है, अतिरिक्त डीएनए मिल रहा है जिसका नाम है प्लाज्मिड, जिसका नाम क्या है, प्ला
10 मिनट, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, एक घर है जिसमें पति और पत्नी है, एक घर है जिसमें पति और पत्नी है। ज्यादातर हम बोलते हैं उस घर में मेन व्यक्ति कौन है, पति है ना। दूसरा व्यक्ति, दूसरे नंबर पर व्यक्ति कौन है जो मेन है, वो उसकी पत्नी है। हालांकि आज की डेट में ऐसा नहीं है, पहले की डेट में ऐसा माना जाता था कि मेन मुख्य सदस्य जो होता है एक घर का वो कौन होता है, एक पुरुष होता है, महिला नहीं होती। ये पहले ऐसा माना जाता था, अब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मुख्य पुरुष या मुख्य कौन होता है, व्यक्ति कौन होता है, दोनों ही होता है, पुरुष भी है और स्त्री भी है। लेकिन मैं थोड़ा सा पुराने जमाने की तरफ से अगर देखूं, सोचूं, मैं हूं नहीं पुराने जमाने का, लेकिन अगर मैं सोचूं क्या कि एक घर है जिसमें मुख्य व्यक्ति जो है वो ये है, कौन, पुरुष। और दूसरा व्यक्ति जो मुख्य नहीं है, एक अतिरिक्त व्यक्ति है, एक एक्स्ट्रा व्यक्ति है, वो भी कुछ कार्य कर रहा है, एक स्त्री है, कौन, प्लाज्मिड। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है। एक तो मेन जेनेटिक मटेरियल है और एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है। एक ऐसा अनुवांशिक पदार्थ जो बहुत सारे कार्य करेगा, एक ऐसा अनुवांशिक पदार्थ जो कुछ निश्चित कार्य करेगा। आया समझ में, डिफरेंस समझ में आया, क्लियर है इस चीज में, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको यू भी मान सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण मैं आपको दे देता हूं, जैसे बीजेपी एक पार्टी है जिसमें एक मुख्य नेता है नरेंद्र मोदी जी, और भी तो नेता है। जैसे मुझे नाम याद नहीं आ रहे क्योंकि मैं इतना ज्यादा पॉलिटिकल नहीं हूं, मान लेते कोई और नेता होगा, आप सोच लीजिएगा बीजेपी का, और कोई दूसरे सेकंड नंबर पर जो नेता होता है, ठीक है। कुल मिलाकर कहने वाली बात है, एक है मेन नेता और एक है दूसरे नेता। उसी प्रकार यहां पर मेन डीएनए ये है, जीनोमिक डीएनए, जो बहुत सारे कार्य करेगा। उसके अतिरिक्त जो डीएनए मिल रहा है, जो कुछ निश्चित कार्य तो करेगा, लेकिन इसके अलावा मिल रहा है, इसलिए हमने क्या बोला है, अतिरिक्त डीएनए, जिसका नाम हमने धर दिया, जिसका नाम हमने रख दिया है क्या, प्लाज्मिड। आया समझ में? तो याद रखना, प्लाज्मिड क्या होता है, मुख्य अनुवांशिक पदार्थ के अलावा मिलने वाला जो अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, उसका नाम होता है प्लाज्मिड। अब आप पूछेंगे, सर कार्य क्या करता है, मैंने क्या बोला कुछ निश्चित कार्य करता है, है ना। अब क्या निश्चित कार्य करता है, ध्यान से सुनना। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं में विशिष्ट लक्षण पैदा करता है। आप बोलेंगे सर वही चीज तो है जो भी आपने बताई, कुछ विशेष कार्य कर रहा है, यही तो लिखा है, प्लाज्मिड जीवाणुओं में कुछ विशेष लक्षण पैदा करता है। अब आप बोलेंगे सर कौन सा लक्षण पैदा करता है, बेटा 12वीं कक्षा में एक अध्याय है, एक पूरी इकाई है, कौन सी, बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, जहां पर आप डिटेल में पढ़ेंगे किसके बारे में, प्लाज्मिड के बारे में। अभी सिर्फ इतना सा सुनना कि आप सभी ने एंटीबायोटिक्स नाम सुना, एंटीबायोटिक्स को बेटा हिंदी में बोलते हैं प्रतिजैविक। क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक। ध्यान से सुनना, क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक, ठीक है। मान लो ये एक एंटीबायोटिक है और ये एक जीवाणु है। ये एंटीबायोटिक का कार्य क्या होता है, जीवाणु को खल्लास, खत्म कर देना। एंटीबायोटिक्स क्या करती है, जीवाणुओं को नष्ट कर देती है, मार देती है। कैसे मारती है वो बाद में बात करेंगे। देखिए बाद में हर चीज हर एक चैप्टर में आएगी, अभी सिर्फ इतना सा, एंटीबायोटिक प्रतिजैविक किसको मार रही है, जीवाणु को मार रही है। इसका कार्य मारना इसको। चलो अब ये कहेगा, अरे ऐसे कैसे मर जाऊं, कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध दिखाऊंगा, किसी ना किसी तरीके से इससे बचने की कोशिश करूंगा, कैसे करूंगा, क्या करूंगा। तो बेटा जी ये जीवाणु ने अपने अंदर पैदा किए क्या, प्लाज्मिड। क्या बोला मैंने, इस जीवाणु ने अपने अंदर कुछ अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ पैदा किए जिनका नाम है प्लाज्मिड, जो कुछ विशेष लक्षण दिखा रहे हैं, जो कुछ विशेष प्रक्रिया दर्शा रहे हैं, जो कुछ विशेष कार्य कर रहे हैं। जैसे याद रखना है, प्रतिजैविकों के प्रति प्रतिरोधकता दर्शाना, प्रतिजैविकों के प्रति यानी एंटीबायोटिक्स के खिलाफ क्या दर्शाना, प्रतिरोधकता दर्शाना। ये कौन दर्शा रहा है, प्लाज्मिड दर्शा रहे हैं। आई होप पूरा मीनिंग अब तक का क्लियर हो गया होगा कि एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अनुवांशिक पदार्थ है जो कई सारे कार्य करेगा, कई सारे।
अभी हम ये नहीं देख रहे क्या कार्य करेगा, लेकिन मैक्सिमम कार्य जो होता है, अधिकतर कार्य जो होता है वो कौन करता है, मुख्य अनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, लेकिन हमने बोला उस मुख्य अनुवांशिक पदार्थ के अलावा कुछ एक्स्ट्रा अनुवांशिक पदार्थ मिल रहा है, डीएनए मिल रहा है, जिसका नाम क्या है बेटा जी, प्लाज्मिड है, जो कुछ विशेष कार्य कर रहा है। आपने पूछा क्या विशेष कार्य कर रहा है, मैंने बोला बारहवीं कक्षा में जैव प्रौद्योगिकी अध्याय आएगा, वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखना कि प्लाज्मिड जो होते कुछ विशेष कार्य करते हैं, जैसे प्रतिरोधकता दिखाते हैं, किसके खिलाफ, प्रतिजैविकों के खिलाफ। प्रतिजैविक क्या होते हैं, कुछ रसायन होते हैं जो जीवाणु को मारने की कोशिश करते हैं। अब जरा सोचिए, कोई शिकारी शिकार करेगा तो शिकार बचने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा, किससे, अपने शिकारी से, तो जीवाणुओं ने बचने की कोशिश करी, करी किससे, प्रतिजैविकों से। क्या पैदा करके, प्लाज्मिड पैदा करके। आई होप यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। ये सिंपल से 8 लक्षण क्लियर है, चले आगे, जरा जल्दी से इनको उतार लीजिए बेटा जी फटाफट। हाँ जी बेटा जी, यहां तक पूरे ये 8 लक्षण जो मैंने आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका या जीवाणुओं के बताए हैं, आई होप समझ में आ गए होंगे। चले आगे। अब बेटा जी आखिरी लक्षण आज के लेक्चर का हम देखने वाले हैं, ध्यान से सुनना, नवा लक्षण। क्या बोल रहा है कि प्रोकैरियोट की ये विशेषता है, क्या विशेषता है, कि उनमें कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली याद है ना, सेल मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, अंदर की तरफ घूम जाती है, अंदर की तरफ वलन ले लेती है। क्या बोला मैंने, अंदर की तरफ वलन ले लेती है, अंतःवलन बोलते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर अंतःवलन का मतलब, जरा देखिए ये एक संरचना है और ये एक संरचना है, क्या दिख रहा है आपको इस संरचना और इस संरचना में क्या फर्क दिख रहा है, कि भैया ये संरचना जो है, ये संरचना जो है इसकी जो झिल्ली थी उसने अंदर की तरफ फोल्ड हो गई, अंदर की तरफ घूम गई है, घूम गई है ना, इस घूमी हुई संरचना को हम क्या बोलते हैं, अंतर्वलन बोलते हैं, है ना, अंदर की तरफ वलन पैदा हो गया। अब आपने याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक विशेषता मिलती है कि इनकी जो कोशिका झिल्ली जो होती है ना, अंदर की तरफ क्या ले लेती है, वलन ले लेती है, अंदर की तरफ घूम जाती है, जिनको हम बोलते हैं मीजोसोम। अपनी जिंदगी में कभी मत भूल जाना मीजोसोम क्या होते हैं, क्योंकि ये बाद में डिटेल में हम देखेंगे, पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना सा, मीजोसोम क्या है, कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन है। कोशिका झिल्ली जब अंदर की तरफ घूम जाती है तो उनको हम क्या बोलते हैं, मीजोसोम। अब आप पूछेंगे कार्य क्या करते हैं, रुक जाना, रुक जाना, आएगा बाद में, आएगा कब आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना पढ़ेंगे, अभी तो हम सिर्फ सामान्य लक्षण पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना देखेंगे। ठीक है, तो बेटा जी यहां पर मीजोसोम, आई होप समझ में आ गया होगा, यहां तक ये 9 सिंपल से सामान्य लक्षण भी क्लियर हो गए होंगे। चले आगे, अब वापस से अच्छा एक और चीज, मीजोसोम दिखाना था ना, आप बोलेंगे सर मीजोसोम देखा नहीं, ये देखो यहां पर एक वर्ड दिख रहा होगा, मीजोसोम दिख रहा है, दिख रहा है, देखिए ये अंदर की तरफ, ध्यान से गौर से देखिएगा, ये अंदर की तरफ, ये लाल रंग की अंदर की तरफ, ये लाल रंग की ये वाली दिख रही है, ये वाली अंदर की तरफ लाल रंग की जो झिल्ली है उसे हमने बोला कोशिका झिल्ली, ये अंदर की तरफ घूम गई है, दिख रहा है, अंदर की तरफ घूम गई, इनको हमने बोला है मीजोसोम। काम क्या करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सब आएगा, ए टू जेड चीज हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा संयम रखिएगा चीजों के लिए। ठीक है, हाँ जी, यहां तक चीज समझ में आ गई है, 9 सिंपल से सामान्य लक्षण समझ में आ गए होंगे। अब एक बार आज जो हमने जो पढ़ा है एक बार बता देता हूं बेटा जी, आज हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करी है, प्रोकैरियोटिक कौन से कोशिका कौन से जगत में आती है ये बताया, उस जगत में कौन से प्राणी आते हैं वो बताया, उन प्राणियों के बारे में कुछ कुछ बताया, फिर उसके हमने सामान्य लक्षण देखे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो अनुवांशिक पदार्थ है वो क्या है, अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ है वो क्या है, क्या कार्य कर रहा है वो क्या है, ये सिंपल सिंपल चीजें मैंने आपको बताई है। आज आपने सारी चीजों को याद रखना है, भूलना नहीं है, सिंपल से लक्षण है। ठीक है, अब समय हुआ है वापस से क्विज का, किसका, क्विज का, तो बेटा जी तैयार हो जाइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन को क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली का जो अंतर्वलन होता है उसे क्या कहा जाता है, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, मीजोसोम, लाइसोसोम, जल्दी से सोचिए क्या बोलते हैं जब कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ मुड़ गई है, किसकी, प्रोकैरियोटिक कोशिका, जल्दी से सोचिए क्या बोलते हैं उसे, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, मीजोसोम, लाइसोसोम, क्या बोला जाता है,
चलिए दूसरा प्रश्न बच्चों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अनुवांशिक पदार्थ के अतिरिक्त, मुख्य अनुवांशिक पदार्थ के अतिरिक्त मिलने वाला डीएनए क्या कहलाता है? जो मुख्य अनुवांशिक पदार्थ था उसके अतिरिक्त, जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त जो डीएनए मिल रहा था उसका नाम क्या है? प्लाज्मिड, अंतःवृष्ट, केंद्राभ, केंद्रिका। जरा जल्दी से सोच समझ कर मुझे बताएं क्या कहा जाता है अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ को या अतिरिक्त डीएनए को मुख्य अनुवांशिक पदार्थ के अलावा। चलिए समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते हैं बेटा। पहला प्रश्न था प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली के जो अंतर्वलन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? राइबोसोम? नहीं। न्यूक्लियोसोम? नहीं। लाइसोसोम? नहीं। क्या बोलते हैं? मीजोसोम। सिंपल, क्या नाम देते हैं? मीजोसोम। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो मुख्य अनुवांशिक पदार्थ मिल रहा था उसके अतिरिक्त, वर्ड क्या आ गया? एक्स्ट्रा, अतिरिक्त मिलने वाला जो डीएनए होता है क्या कहलाता है? याद रखना, भूल मत जाना, जिनको याद है उन्होंने सही लगाया होगा। क्या? प्लाज्मिड। अब जरा सोचिए, आज आए हैं चार प्रश्न, सोच समझ कर मुझे बताएं इन चारों प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के आपने सही आंसर दिए हैं, जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये था बेटा जी आज का क्विज। आपको डीपीपी मिलेगी नीचे होमवर्क सेक्शन में, होमवर्क सेक्शन में आपको डीपीपी मिलेगी, जरूर करिएगा। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो बात करेंगे किसकी बेटा? प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना की, क्या क्या चीजें उसमें और मिल रही हैं, कुछ सामान्य लक्षण मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।